हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो कि है एप्पल फोन्स के लवर के लिए। जो लोग आईफोन 7, आईफोन 8 को बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग को, जिसको एप्पल की भाषा में बोला जाता है टच आईडी को, जो लोग बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे, तो ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है क्योंकि एप्पल ने लॉन्च कर दिया अपना लेटेस्ट आईफोन SE मॉडल जो कि 2020 एडिशन है, सेकेंड जनरेशन, जो कि बहुत ही कमाल का और सिमिलर जैसा लगता है आईफोन 7 और आईफोन 8 की तरह जो है बहुत ही कमाल का फ़ोन है। तो आज की वीडियो में मैं उसी के स्पेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, देखेंगे क्या प्राइसिंग है, प्राइसिंग भी बहुत ही मज़ेदार देखने मिलती है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ, आप अपने नाम चैनल कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को जोर से प्रेस करके रखिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो से। सबसे पहले तो हम लुक की बात करें तो लुक आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लुक देखने को मिलता है एकदम आईफोन 7 और आईफोन 8 की तरह। और इस समय जो नया कॉन्सेप्ट आ गया है एप्पल का कि जो लोगो होता है वो अब सेंटर में लगाता है, तो अब वो एकदम नए कॉन्सेप्ट के साथ में फ़ोन आ गया है सेंटर में, एकदम पीछे में बैक के सेंटर में हमें एप्पल का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही कमाल का सुंदर भी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और साथ ही जो डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 4.7 इंच का एक रेटिना HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही कमाल का होता है, IPS टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। और जो लोग जो है एप्पल का IPS बेस्ड टेक्नोलॉजी डिस्प्ले यूज़ करते हैं उनको मालूम होगा कैसा होता है डिस्प्ले, बहुत ही कमाल का स्मूथ और मज़ेदार डिस्प्ले होता है। तो साथ ही जो इसके रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें 750x3034 का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। वेट की मैं बात करूं तो यार बहुत ही ज़्यादा हल्का है, 148 ग्राम्स का वेट है, जो कि बहुत ही कमाल का लाइट वेट फ़ोन है और स्लिम फ़ोन है। आप साइड में देख सकते हैं पूरा ही स्लिम फ़ोन होता है, जो कि इस समय आईफोन 11, 11 प्रो, 10 जो होता है जो थोड़ा सा थिक है, बट आईफोन SE 2020 एडिशन जो है बहुत ही ज़्यादा स्लिम है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, हैंडी है। तो सिंगल फ़ोन है, इसमें कोई भी साइजेस अलग अलग नहीं आए, सिर्फ सिंगल साइज़ है 4.7 इंच का हमें देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बोला कि आईफोन 7 और आईफोन 8 की तरह सिमिलर लुक लगता है, तो जी हाँ, इसमें भी हमें वही ऊपर और नीचे की तरफ में मोटे मोटे बेजल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो भैया जिसको बेजल्स पसंद है, टच आईडी पसंद है, तो उनके लिए तो बहुत ही कमाल का फ़ोन जो है कंपनी ने लॉन्च कर दिया, लेटेस्ट प्रोसेसर, लेटेस्ट हर चीज़ के साथ में, तो ये भी बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमें वापस से जो है टच आईडी सेंसर हमें देखने को मिल गया, तो ये भी एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। सच में बहुत ही ज़्यादा लोग थे जो लोग इस टच आईडी को मिस कर रहे थे, बहुत लोगों को नहीं पसंद आ रहा था फेस अनलॉक। तो अब बहुत से लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई इसमें हमें दोनों चीज़ देखने को मिलेगा, टच आईडी भी और फेस अनलॉक भी, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें सिर्फ इसमें टच आईडी सेंसर ही देखने को मिलता है। तो ये एप्पल है, कोई एंड्रॉयड नहीं है कि हमें फेस अनलॉक भी देखने को मिलेगा और टच आईडी भी देखने को मिलेगा या फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, इसमें सिर्फ हमें जो है टच आईडी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कमाल का स्मूथ है। और इसमें एक बहुत ही खास बात ये भी है कि ये हैप्टिक टच टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, जो कि आप जब जो है अनलॉक करेंगे या लॉक करेंगे आपको ऐसा फील होता है कि वो एक बटन है, बट वो एक्चुअली में कोई बटन है ही नहीं, सिर्फ एक टच है, बट जब आप उसको अनलॉक करते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि जो है वो एक बटन आप प्रेस कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो हैप्टिक टच टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, जो कि बहुत ही कमाल का फील देती है, एक ऐसा आपको लगता है कि आप बटन प्रेस कर रहे हैं। अब जो इसकी खास बात है वो है इसका पावर किया गया A13 बायोनिक चिप के साथ में पावर किया गया, और एप्पल कहता है कि जो है आईफोन 11 का चिप वापस से आ गया है, जो कि है A13 बायोनिक चिप, बहुत ही कमाल का सबसे सुपर फास्ट चिपसेट है बायोनिक चिप, जो कि बहुत ही कमाल का सुपर फास्ट है। कभी भी आप गेमिंग करें, कोई भी हाई एंड गेमिंग हो, पबजी हो, एस्फाल्ट 8 हो, जितने भी हाई एंड गेमिंग होते हैं, बिंदास आप खेल सकते हो, कोई भी इशू नहीं आने वाला। और जहाँ तक आप जो एप्पल यूज़ करते हैं, सभी को मालूम होगा एप्पल में कभी भी ऐसा कोई हैंग का भी प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, आज ऑलमोस्ट 4 ईयर से मैं एप्पल के फ़ोन्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी हैंग वाला इशू आज तक नहीं फेस किया। मेरा फुल मेमोरी फुल रहता है, स्टोरेज फुल रहता है, लेकिन फिर भी मुझे कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा। तो ये चीज़ है, कुछ चीज़ मतलब ऑप्टिमाइज किया रहता है इतना अच्छे तरीके से एप्पल का आईफोन्स में कि आपको कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ता। और आता है iOS 13 के साथ में, जो कि जो सॉफ्टवेयर है iOS 13 वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही मज़ेदार दिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही कमाल का दिया गया है। इस फोन में हमें IP रेटिंग देखने मिल जाती है, जो कि IP67 रेटिंग हमें देखने मिल जाती है, जो कि वाटर रेजिस्टेंट और एक डस्ट रेजिस्टेंट, स्प्लैश प्रूफ रेजिस्टेंट हमें देखने को मिल जाता है, जो कि कहता है कि जो है 1 मीटर डेप्थ जो है
30 मिनट तक रह सकता है, 30 मिनट तक इजीली जो है 1 मीटर डेप्थ में रह सकता है पानी में। बट पानी के भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, ये नहीं कि आप पूल वाटर में कूद जाएं, केमिकल वाले वाटर में कूद जाएं 1 मीटर डीप, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और जो लोग समझते हैं, बहुत लोगों को ये चीज़ का कन्फ्यूज़न होता है कि IP रेटिंग जो होता है वो रेजिस्टेंस और प्रूफ में बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। रेजिस्टेंस मतलब होता है कि एक स्प्लैश वगैरह का जो होता है सिस्टम वो जो है वो बियर कर सकता है, और प्रूफ जो चीज़ होता है जैसे GoPro वगैरह होते हैं वो प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, वो आप इन डेप्थ वाटर में समुद्र में भी कूद जाइए तो भी आपको कोई इशू फेस नहीं होने वाला है। तो ये सब चीज़ें कुछ खास बात इसकी IP रेटिंग्स वगैरह की। कैमरे की बात करें तो कैमरा बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। iPhone से कैमरे आप जानते हैं नंबर से ये लोग प्ले नहीं करते हैं, एक्चुअल चीज़ देते हैं, बहुत ही कमाल का कैमरा होता है। मेन कैमरा में देखने मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिल जाता है जो कि है 1.8 अपर्चर के साथ में, और उसके साथ में आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एट द रेट 60 फ्रेम्स पर सेकंड में। तो बहुत ही कमाल का चीज़ है कि आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की मैं बात करूँ तो 7 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, उसमें आप 1080x30 फ्रेम्स पर सेकंड की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, तो बहुत ही कमाल का दिया गया है। एक चीज़ हमें मिसिंग है इसमें जो है, जो कि है नाइट मोड, हमें इस फोन में देखने को नहीं मिलता। बाकी सारे मोड देखने मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट वगैरह मोड देखने को मिल जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह सब कुछ आप इफेक्ट देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का। इसके बैटरी वगैरह को लेके बात करें तो आप लोग जानते हैं बैटरी वगैरह के MAH के बारे में कुछ भी रिलीज़ नहीं निकालता है एप्पल, ना कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे डालता है, ना कोई रिलीज़ आता है। लॉन्च होने के बाद में बेंचमार्क्स वगैरह में पता चलता है क्या इसकी बैटरी वगैरह है। तो लॉन्चिंग के बाद जो है, लॉन्च हो चुका है, कल परसों में ही लॉन्च हुआ था, तो अब जो है बाकी आगे जाके पता चलेगा। बट जो एजम्पशन देता है कि हमें 13 आवर्स का जो है वीडियो प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सा बैकअप टाइम देखने को मिल जाएगा, जो कि कंपेयर करता है ऑलमोस्ट जो है आईफोन 8 के जितना जो है हमें बैकअप देखने को मिलेगा। और साथ ही मैं बात करूँ इसके जो है चार्जर वगैरह की, तो इसमें 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, जो कि कंपनी कहती है कि जो है 50% चार्ज कर देगा ओनली इन 30 मिनट्स। बट एक बहुत ही बेकार की बात जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आती, डब्बे में वही सस्ता वाला 5 वोल्ट का चार्जर हमें देखने मिलता है। 5 वॉट का चार्जर जो है इतना मतलब इरिटेशन हो गया 5 वॉट के चार्जर के कि 60,000-70,000 का फ़ोन होता है लेकिन फिर भी जो है वही 5 वॉट का स्लो चार्जर देखने को मिल जाता है। फ़ोन सपोर्ट करता है वायरलेस चार्जिंग को भी, ये भी बहुत ही अच्छी खास बात है कि जो है फ़ोन में हमें बैक में और फ्रंट में दोनों ही जगह ग्लास दिया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल ग्लास दिया गया। आप जानते हैं एप्पल के ग्लास जो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि आप पड़क दीजिए तो भी नहीं फूटेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे और ड्यूरेबल ग्लास देखने को मिल जाते हैं जो कि वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया है और साथ ही सब कुछ लेटेस्ट दिया गया है, बहुत ही कमाल का एल्युमिनियम बॉडी देखने को मिल जाता है, बहुत ही कमाल की। तो ये सब है इसके कुछ स्पेक्स के बारे में। अब जब मैं iPhone 7 और iPhone 8 की मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं जैक वगैरह देखने को मिलेगा ही नहीं, तो ये भी एक बहुत ही थोड़ा सा मतलब ओके है, लेकिन अब तो जो है जो लोग एप्पल यूज़ करते हैं उनको हैबिट पड़ गई है बिना जैक की, तो हमें इसमें जैक भी देखने को नहीं मिलता है। आप जो है लाइटनिंग कनेक्टर से आपको बॉक्स के अंदर ईयरफोन्स देखने को मिलेंगे जो कि लाइटनिंग कनेक्टर के होते हैं, तो ये है इसके कुछ केबल्स वगैरह। बाकी जो है अब मैं इसके स्टोरेज वगैरह की बात करूँ, प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग प्राइस देखने मिल जाती है। इसमें हमें 3 वेरिएंट देखने मिलेगा जो कि 64 GB 128 GB एंड 256 GB स्टोरेज के साथ में देखने को मिलता है। जो मेन जो बेसिक वेरिएंट है 64 GB उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 42,500 रुपीज़ से इसकी स्टार्टिंग प्राइस होने वाली है, और मेरे को लगता है अभी आगे 2 वेरिएंट के प्राइसिंग नहीं निकल के आए हैं। बट ऑलमोस्ट जो है फोन्स में 10,000-15,000 का डिफरेंस रहता है, 10,000-12,000 का, तो एज पर द एजम्पशन जो मेरे को लगता है 42,500 64 GB का है, 52,500 जो है 128 GB का होगा और 62,500 जो है 256 GB वाले वेरिएंट का होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का फ़ोन है। जो लोग मिस कर रहे थे इस टच आईडी को और वायरलेस चार्जिंग भी हमें देखने मिल जाता है एक कॉम्पैक्ट साइज में, तो बहुत ही कमाल का पैकेज बन जाता है और एक बहुत ही अच्छा मूव लगा एप्पल की तरफ से कि जो है ये एक अच्छा सा फ़ोन बहुत ही कमाल का एडिशन के साथ में लॉन्च हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है। इसमें हमें 3 बहुत ही मज़ेदार और वाइब्रेंट कलर देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक है ब्लैक कलर, दूसरा है वाइट कलर, वाइट को आप सिल्वर मत समझिएगा, ये वाइट वाइट कलर है, सिल्वर अलग होता है, और तीसरा होता है हमारा प्रोडक्ट रेड कलर जिसके लिए जो है कंपनी थोड़ा सा डोनेट करती है। तो ये हमें 3 बहुत ही मज़ेदार कलर देखने को मिल जाते हैं। और जो बेसिक वेरियंट की जो प्राइस है 42,500 64 GB का, ये हो सकता था और भी कम होती, क्योंकि जो है आप सभी लोग जानते हैं कि जो है
टैक्स रेट बढ़ चुके हैं मोबाइल फोन्स पे 12% से 18%। तो अगर जो है पहले वाला 12% होता तो मोस्ट प्रोबेबली जो है इसकी प्राइसिंग अंडर 40,000 आ जाती, ऑलमोस्ट जो है नियर अबाउट 40,000 के आसपास रहती। तो ये भी एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है कि जो है टैक्स रेट बढ़ गया, तो इस वजह से रेट में भी कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन प्राइसिंग बहुत ही अच्छी दी गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जोर से कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ गोल कर का आइकन होगा यहाँ क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही जो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो लोग मिस कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये कि अब वो जो है एक अच्छे प्राइस में जो है एक अच्छा ऑप्शन परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का। और साथ ही चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।